आप अगर पॉजिटिव और आपसे बेहतरीन लेवल के लोगों के साथ हैं तो आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं, और अगर आप अपने से निम्न स्तरीय लोगों के संपर्क में हैं या छोटी सोच के लोगों के साथ हैं तो आप एक दिन क्रैश कर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में ऊपर उठें तो बेहतरीन लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, उनकी संगति करें, और स्पेशली वो सकारात्मक हों, पॉजिटिव हों। अगर वो पॉजिटिव हैं, बेहतरीन सोच के हैं, तो आप भी उसी दिशा में सोचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसके विपरीत आपने गलत और छोटी सोच और नकारात्मक विचार के लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की, तो दोस्तों याद रखिए, आप एक दिन क्रैश हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एरोप्लेन को टेक ऑफ होने के लिए इस तरह से जाना पड़ता है, वैसे ही आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसी तरह अपना तालमेल लोगों के साथ रखना होगा। अगर आपने अपना तालमेल इस तरह से रखा होगा तो आप धराशायी हो जाएंगे। अपने आप को बेहतरीन स्थिति में रखने के लिए बेहतर लोगों के साथ रहिए, बात कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, संगति का असर ज़रूर होता है। वो बात हर जगह लागू नहीं होती, चंदन विष व्यापे नहीं लिपट रहत भुजंग। दोस्तों वो भुजंग है और वो चंदन है, ना आप चंदन हैं ना वो भुजंग है, राइट? इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझ पर गलत लोगों का असर नहीं पड़ेगा। गलत लोगों का असर जल्दी पड़ता है और उसमें दिक्कत होने लगती है। इसलिए बी विद द पॉजिटिव पीपल टू बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड यू विल सी दैट पीपल आर लाइकिंग योर कंपनी, राइट? बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक ऑफ। नो वन वॉन्ट्स टू क्रैश। इफ यू वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम क्रैशिंग, बी लाइक दिस, डोंट बी लाइक दैट।